गुनाह की बख्शिश और मुआफी के हसूल की रात शबे बरात मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आज शबे बरात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। जनूबी पंजाब भर के मसाजिद तमाम बारगाहों और घरों में खुसूसी महाफिल और जिक्र अज़कार का अहतमाम। अल्लाह के हजूर गुनाहों से तोबा तलब बख्शिश और मार्फत ईमान और सलामती की दुआएं मसाजिद और घरों पर भी चरागा। से सताए आवाम के लिए रमजान पैकेज तैयार, गरीब घरानों को मुफ्त आटा मिलेगा, हुकूमत 6 अरब की सब्सिडी देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जर सदारत इजलास में मंजूरी, पंजाब में 311 रमजान बाजार लगेंगे, 2 अरब 69 करोड़ लागत आएगी। चीनी और सब्जियां सस्ती मिलेंगी, इंतजामिया ने अखराजात का तखमीना 11 अरब 38 करोड़ रुपए लगा दिया गया। पंजाब में 311 रमजान बाजार के इंतजाम के लिए 2 अरब 69 करोड़ 76 लाख रुपए रखे जाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब के प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मजीद मुअसर बनाने की हिदायत, आला सतह इजलास में जामिया प्लान भी तलब कर लिया। आटे की खरीदारी के लिए शहरियों को दुश्वारी का सामना, जनूबी पंजाब में खरीदारी के लिए आवाम होने लगी खवार, घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर, नाकामी शहरियों का मुकद्दर बन गई, खवातीन भी घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। इंतजामिया की जानिब से आटे का कोटा कम के रेट मामूल, मिसाल जूं के तू, इंतजामिया पर आटा होटल्स मालकान को फरोख करने का भी इल्जाम। तनावा के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और घी नायाब, शहरी अशिया खोरो नोश के सस्ते दामों खरीदारी के लिए दरबदर, बुजुर्ग मर्दों खवातीन सस्ते आटे और घी के असूल के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर। शहरियों के मुताबिक कई रोज से आटा घी फ्राहम नहीं किया जा रहा, आटे का कोटा कम, घी की सप्लाई कई माह से बंद, इंतजामिया ने भी अपना रवायती मौकफ पेश कर दिया। होशरुबा महंगाई, टैक्सीज की भरमार, आवाम के सबर का पैमाना लबरेज, जनूबी पंजाब के ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आई, रहमियर खान डीजी खान राजनपुर में एहतजाज, अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, कुवत खरीद जवाब दे चुकी है, कारोबार तबाह हो गए हैं, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। मुजाहरीन की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, टैक्सीज कम करने, महंगाई को लगाम डालने का मुतालबा। जब भी हमारा इक्तदार आया तो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचा, इमरान खान हमें दलदल में फंसा कर चले गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा दोबारा इक्तदार में आकर आवाम के मसाइल हल करेंगे, जनूबी पंजाब हमारी धरती महरूमियों से वाकिफ है, हम जल्द अपने पाँव पर खड़े होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा विहाड़ी मुकम्मल, साबिक सदर का मेलसी जलाजीम महमूद हयात खान टोची की रहाइशगाह पर कारकुनान से खिताब, कहा मेलसी के वर्कर्स को सलाम पेश करता हूं, पीपल्स पार्टी के दौर में तनख्वाहें 100% बढ़ाई थी, अवाम और कारकुनों पर एतबार है कि इन्हें हम पर एतबार है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद भी हमरा महमूद हयात खान से, इनकी हमशीरा और भाई यासिर खान के इंतकाल पर ताजियत। हमारे सराय की बेल्ट में बहुत सी महरूमियां हैं, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का विहाड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा बतौर वजीर आजम जिला भर में बिजली और दीगर मंसूबों पर काम किया, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद का विहाड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा खानदान है, अवामी ताकत से पीपल्स पार्टी जल्द इकतदार में आएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा टाल मटोल से काम नहीं लेना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, महंगाई बैड गवर्नेंस की वजह से है। जेल से रिहाई के बाद पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान आमद शाहरुख आलम दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की मईशत को इमरान खान ठीक कर सकता है, कौम को इमरान खान को मौका देना चाहिए, तहरीक इंसाफ का किसी से टकराव नहीं, हम सब का एहतराम करते हैं, आला अदलिया को तारीख साज फैसला देने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ।
एयरपोर्ट दो इंतजामिया की मुबैना गफलत पार कुचट गई। चार दीवारी झूले में गेट टूट फूट का शिकार, सफाई ना होने से गंदगी के ढेर। फिजा में ताफुन, पानी ना लगाने की वजह से घास को खुश हो गई। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर से पार्क की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा। लोधरा मुल्तान नेशनल हाईवे दो साल से तामीर का मुंतजर। 60 किलोमीटर दो रोया सड़क की अक्सर नो तामीर के लिए तोड़फोड़। मशीनरी डेढ़ साल से गायब, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। हुकूमत से जल्द सड़क तामीर करने का मुतालबा। मुजरे से खुराक बेचने वालों के गेट घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीम का लिंक रेलवे बाजार बुरेवाला में पंसार स्टोर पर छापा। 200 किलो मुरब्बा, 30 किलो जायदुल मयाद फ्लेवर तलब। अफसाने सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद। असिस्टेंट कमिश्नर सनावा असगर इकबाल लगारी का स्पेशल ब्रांच की टीम के हमरा छठा गोरमानी में छापा। निजी कॉटन फैक्ट्री के गोदाम से 8000 चीनी की बोरियां बरामद, गोदाम सील। मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी। लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट मुल्तान मजदूरों की फलाह के लिए मुतहरिक। 25,000 रुपए से कम तनख्वाह देने वाले फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कार्रवाइयां। डायरेक्टर लेबर वेलफेयर राणा जमशेद की रोही से गुफ्तगू, कहा 78 फैक्ट्री मालकान को 3,06,000 रुपए तक जुर्माने किए। इलेक्शन कमीशन मुल्तान में हंगामा राई का मामला। मुलजमान को डिस्चार्ज करने और मुकदमा खारिज करने पर सेशन कोर्ट में अपील दायर। इलाका मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपील दायर कर दी। एडिशनल सेशन जज मुल्तान आमिर शहबाज मीर का फरीकीन को नोटिस, 9 मार्च तक समाज मुलतवी कर दी। जनूबी पंजाब में डॉक्टर्स के तकरर तबादले। सीईओ हेल्थ सिलैया डॉक्टर साइमा बतूल तब्दील। डॉक्टर शाहिद रजा तैनात। डॉक्टर खादिम हुसैन का तबादला, डॉक्टर शाहिद महमूद एमएस बन गए। डॉक्टर हयात एमएस टीएचक्यू अस्पताल कोट सुल्तान तैनात। डॉक्टर आमिर खान को एमएस टीएचक्यू अस्पताल करोड़ लाल ईसन का एडिशनल चार्ज मिल गया। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर मुश्ताक बशीर सीईओ हेल्थ सरगोधा तैनात। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को सीईओ हेल्थ भावलनगर बना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस भावलपुर के अफसरों की उखाड़ पछाड़। सब इंस्पेक्टर शहजाद बाबर एसएचओ थाना सदर यजमान तैनात। सब इंस्पेक्टर फजल अब्बास एसएचओ थाना सदर हासिलपुर बन गए। सब इंस्पेक्टर आबिद हमीद को थाना बख्तादुल जदीद चार्ज मिल गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मोहसिन सरदार को लाइन ऑफिसर पुलिस लाइन भेज दिया गया। तमाम अफसरों को फौरी अपनी जाए तैनाती पर पहुंचने का हुक्म।